नमस्कार दोस्तों, एडुशाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गांधीयन मेथड इन इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारे जो इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसमें गांधी की जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। और जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स होते हैं जिसके बारे में हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन द सेम मैनर द राइज ऑफ गांधी और गांधी के जो गांधीयन मेथड्स थी, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि हमें गांधीयन मेथड्स बहुत बार ये समझ में नहीं आता है। और गांधी के बारे में समझने के लिए उनके जो मेथड्स थी, उनकी जो थिंकिंग थी, वो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास में हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते थे, मतलब कि वो कोई उनका जो भी तरीका था, वो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया अपने फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके पीछे उनका रीजन क्या था। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गांधी का अगर हम अर्ली लाइफ के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले, क्योंकि उनके मेथड को समझने के लिए उनके अर्ली लाइफ को थोड़ा सा समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि इन द ईयर 1869 ही वॉज बॉर्न। ओके, और उसके बाद उन्होंने आई मीन एज इज स्टडी करियर ही स्टडीड लॉ एंड ही स्टडीड लॉ फ्रॉम इंग्लैंड। तो 1893 में उन्होंने अपने एडवोकेसी करियर स्टार्ट की और 1893 में वो चले गए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका चले गए। ही हैड ए क्लाइंट नेम्ड अब्दुल्ला सेठ, जिसके एडवोकेट के तौर पे वो साउथ अफ्रीका गए थे, क्योंकि उस टाइम पे ये कंडीशन था कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इंडियन जाके काम कर रहे थे। एक्चुअली ही वॉज शेड्यूल्ड टू कम बैक टू इंडिया वन ईयर लेटर इन द ईयर 1894। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका पहुंचे, वहां पे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ बेस्ड ऑन हिज स्किन कलर, जिसके वजह से वो ये तय किए कि वो इंडिया वापस नहीं आएंगे और वो साउथ अफ्रीका में रह कर के ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इंडियंस के खिलाफ, इसके खिलाफ वो लड़ाई करेंगे। सो इन 1894 ही डिड नॉट कम बैक एंड ही स्टेड इन साउथ अफ्रीका फॉर ऑलमोस्ट अप टू 1915, जबकि 9th जनवरी ऑफ 1915 ही कम्स बैक टू इंडिया। और ये पूरा जो वक्त था वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताया अपने लड़ाई करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, 1894 से लेकर के 1906 तक ही फॉलोड अ मेथड एज द मॉडरेट्स इन इंडिया वर फॉलोइंग। ओके, दैट इज द मेथड ऑफ प्रेयर एंड पिटीशन। लेकिन 1906 में जाकर के उनको समझ में आया कि ये मेथड यूजलेस है, ये मेथड से कोई काम हो नहीं रहा है। तो देखिए, इसी दिस इज द ऑलमोस्ट द सेम टाइम व्हेन इन इंडिया आल्सो दिस शिफ्ट, दिस चेंज वाज कमिंग, और मॉडरेट फेज डिक्लाइन होकर के एक्सट्रीमिस्ट फेज कांग्रेस में राइज हो रही थी। और इसी टाइम पे गांधी ने भी अपने मेथड्स को चेंज की, लेकिन उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट मेथड फॉलो नहीं की 1906 के बाद। उन्होंने जो मेथड फॉलो किया, ही इन्वेंटेड हिज ओन मेथड व्हिच केम टू बी नोन एज द गांधीयन मेथड, राइट। तो ये पहला उनका साउथ अफ्रीका में उनका ये सक्सेस था, उनके जो अपने बनाए हुए जो मेथड था वो फॉलो करते हुए। तो उनका जो मेन कंपोनेंट था गांधीयन मेथड में, वो मेनली ये तीन मेन कंपोनेंट था, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, ये दोनों चीज एक साथ, ठीक है, नॉन वायलेंस और अहिंसा। सत्याग्रह व्हिच एक्चुअली मीन्स ट्रूथ एंड फेयरनेस। देखिए, गांधी ने अपने लाइफ में ट्रूथ को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। यहां तक कि अगर आप गांधी के जो ऑटोबायोग्राफी है उसको भी पढ़ोगे, तो उनका ऑटोबायोग्राफी का भी नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और फेयरनेस, इस चीज पे उनका एक स्पेशल उनका कोटेशन है जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। कोटेशन ये है कि योर एंड कैन नॉट जस्टिफाई योर मीन्स, योर एंड कैन नॉट जस्टिफाई योर मीन्स। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये निकलता है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, एंड मीन्स योर ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव पाने के लिए आप कोई भी मेथड फॉलो करोगे ये सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव पाने के लिए आपको फेयर मेथड ही फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सपोज यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच और आपका जो पर्पज है वो ये है कि फुटबॉल मैच जीतना है, राइट। तो क्या वो फुटबॉल मैच जीतने के लिए, वो पर्पज अचीव करने के लिए, क्या कोई भी मेथड, फाउल मेथड आप एडॉप्ट कर सकते हो? अगर आप करोगे दैट विल बी अनफेयर। और अकॉर्डिंग टू गांधी, एनीथिंग अचीव थ्रू अनफेयर मीन्स डज नॉट लॉन्ग लास्ट।
तो अगर हम इसी चीज को इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में अप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए एंड क्या था, हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अचीव द इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए जो मीन्स होना चाहिए वो भी फेयर होना चाहिए, दैट शुड बी नॉन वायलेंट। क्योंकि अगर वो वायलेंट मीन्स होगा दैट विल नॉट बी अ फेयर मीन्स, एंड एनीथिंग अचीव थ्रू अनफेयर मीन्स डज नॉट लॉन्ग लास्ट। तो उनके हिसाब से अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल भी गया किसी तरीके से वायलेंस यूज करते हुए, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा दिन तक लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। इसीलिए जो फेयर मीन्स है, दैट इज नॉन वायलेंस, इसी पे उन्होंने फोकस किया था कि हम इससे डिपार्ट नहीं हो सकते, इससे हम डेविएट नहीं हो सकते। और इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि गांधी ने हमेशा से जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म है, विच वॉज टोटली बेस्ड अपॉन वायलेंस और क्रिएटिंग पैनिक टेरर इन द माइंड ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उन मेथड्स को उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं की, राइट? उनका जो दूसरा और तीसरा मेथड था, यह था नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। अब देखिए, ये जो उनका जो अहिंसा का मेथड था, नॉन वायलेंस का मेथड था, ये इस चीज को उन्होंने बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि दिस वॉज ए पैसिव मेथड, दिस वॉज ए कावर्ड मेथड। लेकिन अगर हम इसको एक क्लोज एग्जामिनेशन, डीप इन डीप एनालिसिस करें, तो इसका एक दूसरा ही कैरेक्टर हमें समझ में आता है, जो समझ में ये आता है कि टू फॉलो अ नॉन वायलेंस मीन्स अ पर्सन नीड्स ह्यूज करेज। कोई भी एक इंसान जिसके पास करेज नहीं है, वो अहिंसा मेथड, नॉन वायलेंट मेथड वो एडॉप्ट नहीं कर सकता। इसी रिगार्ड पे उनका एक और स्टेटमेंट हमें याद आता है, जैसे कि उन्होंने ये कहा था कि द ट्रू पावर डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ, इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू भी उन्होंने ये वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बहुत ही करेजियस होना पड़ेगा, तब जाकर के आप नॉन वायलेंट मीन्स फॉलो कर पाओगे। अब देखो, ये जो नॉन वायलेंस का जो मीन्स है, और आप लोगों को पता होगा कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट चल रहा था उसमें 1922 में जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, विच वॉज अ वायलेंट इंसिडेंट, उसके बाद उन्होंने सडनली विदड्रॉ, उन्होंने सडनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ कर लिया था। बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन इनके पीछे उनका मकसद क्या था, उनका एक्चुअली थिंकिंग क्या था, वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा उनके गांधीयन जो थिंकिंग है उस पे जाना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ था कि 1915 में गांधी वापस तो आए थे इंडिया में, लेकिन गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे उस टाइम पे, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी से ये एडवाइस दिया था कि डू नॉट राइट अवे पार्टिसिपेट इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि गांधी वॉज एट दैट टाइम अकस्टम्ड विथ साउथ अफ्रीकन पॉलिटिक्स बट नॉट इन इंडियन पॉलिटिक्स। नाउ अ ट्रू लीडर, अ ट्रू पॉलिटिशियन मस्ट नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मासेस ऑफ द पीपल। तो उन्होंने यही एडवाइस दिया था कि पहले तो इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझो, अच्छे से जानो, तब जाकर के इंडियन पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हो, और वो भी बहुत धीरे से, ऐसा नहीं कि मतलब कि ऑल ऑन ए सडन ऑल इंडिया लेवल पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। तो इसी यही ट्रेंड हमें देखने को मिलता है कि 1915 से लेकर के 1917 तक गांधी का इंडियन पॉलिटिक्स में ज्यादा कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा। 1917 में वो इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, एंड दैट स्टार्टेड बाई सम लोकल एक्सपेरिमेंट। लोकल एक्सपेरिमेंट, तीन लोकल एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें पता चलता है, चंपारण, अहमदाबाद मिल एंड खेड़ा, इसके थ्रू स्टार्ट करते हैं। और फिर 1919 से लेकर के वो ऑल इंडिया लेवल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। अब देखिए, ये जो वक्त था, इस टाइम में उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को या फिर ब्रिटिश नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल को बहुत अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस की, और उनको ये समझ में आया कि हाउ द ब्रिटिश with few thousand officers, how the British are controlling or dominating India for so long years. ठीक है, क्योंकि कुछ हजार officers को लेकर के इतने बड़े एक देश को, इतने ज्यादा लोगों को इतने सालों तक dominate कर पाना, ये कोई छोटी मोटी काम नहीं है, ये कर कैसे रहा था? तो he reached to this conclusion कि the British are dominating India over these two principle. The British had these two principle. और ये जो दो प्रिंसिपल था, दिस टू प्रिंसिपल वॉज फेड इन द माइंड ऑफ पीपल। क्या था ये दो प्रिंसिपल? पहला था दैट द ब्रिटिश आर गुड पीपल, ब्रिटिश आर गुड पीपल, और दूसरा था दैट द ब्रिटिश आर इनविंसिबल। अब देखिए, हमारे अगर एजुकेटेड जो इलीट क्लास थे, मॉडर्न एजुकेटेड इलीट क्लास थे, उनके बारे में सोचिए, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 दे हैड क्रिटिसाइज द रिवोल्ट। इवन अगर हम मॉडरेट की बात करें, मॉडरेट का भी ये मानना था कि द ब्रिटिश आर एक्चुअली गुड पीपल,
राइट, दैट इज वाई दे रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश। ओके, तो उनका ये मानना था, ये जो एजुकेटेड जो क्लास थे उनका ये मानना था कि ब्रिटिश हैड ब्रॉट सो मच रिफॉर्म, सो मेनी डेवलपमेंट, सो मच मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, हाउ कुड दे बी एनी बैड पीपल, राइट? तो ब्रिटिश आर एक्चुअली गुड पीपल, ये लोगों का मानना था। तो होता ये था कि सपोज दिस इज द एंटायर सोसाइटी, दिस इज द एंटायर इंडियन सोसाइटी, बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल एक सिग्निफिकेंट एजुकेटेड सेक्शन है व्हिच डिसोसिएटेड देमसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। तो सबसे पहले तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो था वो अपने आप को ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, अपने आप को अलग कर लिया। बाकी जो था उनमें से भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन डिमोरलाइज हो गए ये सोच करके कि ब्रिटिश आर द माइटिएस्ट पीपल, माइटिएस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड, द ब्रिटिश आर इनविंसिबल। तो बेस्ड ऑन द सेकेंड प्रिंसिपल एक और सिग्निफिकेंट पोर्शन को भी ब्रिटिश ने उनके खिलाफ लड़ने से अलग कर दिया। बाकी रहा ये पोर्शन, बाकी रहा ये पोर्शन, इनको इनको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश के पास पुलिस थी, जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट था, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीमिस्ट या फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट, इनको सप्रेस करने के लिए तो पुलिस था। लेकिन अगर यही चीज अगर पूरा इंडिया, पूरा इंडिया अगर ब्रिटिश के खिलाफ, या फिर ये दो प्रिंसिपल काम नहीं किया होता, पूरा इंडिया सोसाइटी अगर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा होता, तो इंडिपेंडेंस अचीव करना कोई बहुत बड़ा बात भी नहीं था, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो गांधी ने एक नॉन वायलेंस मेथड फॉलो करके ब्रिटिश के खिलाफ एक डिलेमा खड़ा कर दिया, एक डिलेमा खड़ा कर दिया। द डिलेमा वॉज दैट कि गांधी जब अपने अपने हड़ताल करके अपने स्ट्रगल लोगों को साथ में लेकर के चलते थे, द ब्रिटिश यूज टू फील डिलेमा वेदर टू अरेस्ट दिस पर्सन और नॉट। क्योंकि अगर हम उनको अरेस्ट करते हैं, उनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट गेट्स इनवैलिडेटेड, क्योंकि तब इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या बोलेगा, सिविलाइज सोसाइटी क्या बोलेगा कि ब्रिटिश बीइंग अ माइटीएस्ट एम्पायर एक ऐसे इंसान को अरेस्ट कर रहा है जिनके पास एक सुई तक नहीं है, जो एक सफेद कपड़ा पहने हुए एक लाठी हाथ में लेके लेते हुए नॉन वायलेंट तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको वो अरेस्ट कर रहा है। तो अगर वो उनको अरेस्ट करते हैं तो उनका ये जो पहला प्रिंसिपल है ये इनवैलिडेट हो जाता है। और अगर वो उनको अरेस्ट नहीं करता है तब लोगों को ये लगेगा कि ब्रिटिश को तो डिफीट करना बहुत आसान है, एक इंसान जिनके पास एक हथियार नहीं है, एक बिना गोली चलाए एक बिना लाठी चलाए उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो अगर उनको अरेस्ट वो नहीं करते हैं तो उनका ये जो सेकेंड प्रिंसिपल है ये इनवैलिडेट हो जाता है। तो गांधियन मेथड के सामने गांधी वेदर टू अरेस्ट गांधी और नॉट इस बात पे द ब्रिटिश ऑलवेज यूज टू फील डिलेमा, क्योंकि उनका जो दो बेसिक प्रिंसिपल था जिसके ऊपर बेस करके ब्रिटिश राज बना हुआ था, दैट वॉज गेटिंग अंडर थ्रेट। लेकिन यही अगर वायलेंस यूज हो जाता है कहीं पे भी, और तब अगर ब्रिटिश अरेस्ट करने लगते हैं, तब इनका कोई भी प्रिंसिपल वायलेट नहीं होता है। और इसीलिए जब हमें ये देखने को मिलता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, तो उसके पहले तक गांधी ने अपना ये मूवमेंट चलाया था, लेकिन जब वायलेंट एक इवेंट हो जाता है तो गांधी को पता था कि ये दो प्रिंसिपल जिसके ऊपर बेस करके वो अपना लड़ाई चला रहे थे वो ही फ्रूटलेस हो गया, वही यूजलेस बन गया, और इसीलिए उन्होंने सडनली विथड्रॉ कर लिया था, राइट? तो दिस वॉज द यू नो मेन थिंकिंग बिहाइंड एडॉप्टिंग दिस नॉन वायलेंट मेथड, राइट? दूसरा देखिए, जो ये जो सिविल डिसोबीडियंस सॉरी नॉन कोऑपरेशन जो उनका मेथड था, उनके पीछे उनका थिंकिंग क्या था, फिर से वही उनका जो डिप्थ एनालिसिस था कि इतने कम संख्यक ब्रिटिश ऑफिसर मिलकर के इतने ज्यादा संख्यक इंडियंस पे डोमिनेट कैसे कर रहा है। ही रीच द कंक्लूजन दैट द ब्रिटिश राज वॉज डिपेंडिंग अपॉन थ्री पिलर, ब्रिटिश राज का तीन पिलर बना हुआ था इंडिया में। पिलर नंबर वन एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके थ्रू इंडिया की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, टैक्स कलेक्टर एंड ऑल, राइट? दूसरा पिलर था पुलिस, जिनके थ्रू जितने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट था उनको सप्रेस किया जा रहा था। और तीसरा एलिमेंट था डिफेंस, जिनके थ्रू इंडिया वॉज बींग केप्ट आइसोलेटेड फ्रॉम एनी फॉरेन इंटरफेरेंस। बेस्ड अपॉन दिस थ्री पिलर द ब्रिटिश राज वॉज रेस्टिंग।
अब देखिए ये जो तीन पिलर बना हुआ था इसमें टॉप लेवल पे ऑफिसर्स लेवल पे तो ब्रिटिश थे, लेकिन इनके मैक्सिमम जो कर्मचारी थे वो थे इंडियन। तो उनका ये मानना था कि थ्रू नॉन कोऑपरेशन अगर कोई भी इंडियंस ये ब्रिटिश ऑफिस में ब्रिटिश के अंडर काम करने से इनकार कर देता है तो उनका जो ये तीन पिलर है ये तीन पिलर गिरने लगेगा। और अगर उनका ये तीन पिलर गिर जाता है तो फिर ब्रिटिश राज भी गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये था उनका मेन थिंकिंग फॉर हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगर आप अब ये पूछ सकते हो कि क्या उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेस हुआ था, नहीं हुआ था। इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू में जो पहला मूवमेंट था दैट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। यहाँ तक कि जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि हम अगर हमारे मेथड से मेरे मेथड से 1 साल तक फॉलो करोगे तो इंडिपेंडेंस आएगी, लेकिन वो नहीं हुआ था। राइट, सेम इन द सेम मैनर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे भी ये चीज अचीव नहीं हो पाया था। ज्यादातर इंडियंस काम कर रहे थे, कुछ इंडियंस जरूर छोड़े होंगे ब्रिटिश का साथ, लेकिन ज्यादातर इंडियंस काम कर रहे थे। लेकिन ये सक्सेसफुल होने लगा था और दिखने को मिला था व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये देखने को मिलता है बहुत सारे इंडियन जो ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे थे दे वर सीक्रेटली हेल्पिंग द प्रोटेस्टर्स। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही ब्रिटिश को ये देखने को मिल गया था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पिलर था और पुलिस वाला जो पिलर था ये दोनों शेक करने लगा था, वो दोनों गिरने लगा था। और जब INA ट्रायल शुरू हुआ 1945 में और उसके बाद जब रिन रिवोल्ट हुआ, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट इन HMIS तलवार एंड HMIS हिंदुस्तान, जब वो चीज हुआ तो ब्रिटिश को ये लग गया कि ये डिफेंस वाला पिलर भी अब गिरने लगा है। तो जब अगर तीनों पिलर अगर गिर रहा है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है ब्रिटिश के लिए इंडिया में अपना डोमिनेशन मेंटेन रखना। और इसीलिए देखिए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया को आजादी मिलती है। राइट, ये था उनके थिंकिंग बिहाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। राइट, और उनका जो सिविल डिसोबीडियंस था इनके पीछे क्या था, टू डिफाई द ऑथोरिटी। सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि जो सिविल लॉज है वो हम नहीं मानते, सिविल लॉज नॉट क्रिमिनल लॉज, कोई वायलेंस नहीं करना है, उनके जो सिविल लॉज है वो हम नहीं मानते, उनको डिफाई करना है। गांधी यूज टू से कि टू द ब्रिटिश दैट यू कैन ब्रेक माई बॉडी बट यू कैन नॉट ब्रेक माई माइंड। तुम मेरे कमर तोड़ सकते हो, हाथ तोड़ सकते हो, पैर तोड़ सकते हो, मुझे फांसी पे लटका सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल वी हैविंग दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो यही चीज गांधी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया था ब्रिटिश के लिए कि ब्रिटिश को ये समझ में नहीं आता था कि इस आदमी के साथ हम डील कैसे करें। और ये जो डिफाइंस है टू द ऑथोरिटी दिस नीड्स करेज, विदाउट करेज ऑथोरिटी को डिफाई करना इतना आसान नहीं है। सो ही वॉन्टेड टू इम्बाइब दिस प्रैक्टिस दिस कल्चर कि जो ये जो ऑथोरिटी है ये जो अनजस्ट ऑथोरिटी है इसको डिफाई करना है। दैट वॉज द थिंकिंग बिहाइंड हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए लोगों के मन में होता है ना कि जेल जाने में एक डर रहता है, तो उन्होंने अपने मूवमेंट के थ्रू लोगों के अंदर से जेल जाने की जो डर था वो खत्म कर दिया था। लोग अपने स्पॉन्टेनियसली लोग राजी हो रहे थे जेल जाना, लोगों के अंदर से वो जो 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 स्टिग्मा था वो उन्होंने वो निकाल दिया था थ्रू हिज सिविल डिसोबीडियंस, जो ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। दोस्तों तो ये था एक इन ब्रीफ गांधियन मेथड्स टू अंडरस्टैंडिंग द गांधियन मेथड। तो आगे चल के हम और भी क्लास मैं अपलोड करूंगा जिसमें और भी गांधियन मेथड्स के और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।